एग्जैक्टली क्या रिलेशन है रो और टेम्परेचर के बीच। यहां से सिर्फ इतनी बात समझ आई थी कि रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? ये एग्जैक्ट रिलेशन है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच का। यहां ये रो टी, ये क्या है? रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। टेम्परेचर टी पर रेजिस्टिविटी हो गई रो टी, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर जीरो, कौन सा डिग्री सेल्सियस, यहां केल्विन नहीं है, केल्विन अगर होता हम इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते, केल्विन नहीं है। टी क्या चीज है आपका? राइज इन टेम्परेचर अबव जीरो डिग्री सेल्सियस, जीरो से जितना भी आपने ऊपर किया है या नीचे भी किया होगा जीरो से लेना इस टेम्परेचर को। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, और ये कॉन्स्टेंट डिपेंड करते हैं गिवन मटेरियल के लिए। अल्फा बीटा कांस्टेंट है गिवन मटेरियल के लिए, और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी है। बीटा तो बहुत ही छोटा है, जीरो के आसपास का, तो इस इक्वेशन में से हम बीटा जीरो करके इक्वेशन बनाते हैं। क्या 1 प्लस अल्फा टी, और इस अल्फा का नाम है, पर्टिकुलर नेम है इसका, अल्फा कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपने इस इक्वेशन में लिया है तो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसी इसी को हम मॉडिफाई कर लें तो आर टी इक्वल्स आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब यहां ये अल्फा कहलाया जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस लिया है इक्वेशन में। इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? आर टी इक्वल्स आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी इक्वल्स आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा सी, आर नॉट दूसरी साइड ले जाओ, आर टी माइनस आर नॉट इक्वल्स, और अब आपका टी बन जाता है आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट टी, सॉरी अल्फा। यही से अल्फा की डेफिनेशन हमने फाइंड कर ली। आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर जीरो। तो आर टी माइनस आर नॉट क्या हुआ? आर टी माइनस आर नॉट हुआ चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस
अगर इन दोनों क्वांटिटी को हम यूनिट ले लें, आर नॉट ले लें कितना, 1 ओम। मतलब क्या है आर नॉट बेटा? 1 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और टी आपने लिया कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो फिर अल्फा क्या बनेगा? अल्फा बनेगा आपका आर टी माइनस आर नॉट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, लेकिन किस रेजिस्टेंस का चेंज? वो रेजिस्टेंस जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 1 ओम हो। और कब है ये चेंज? कब है ये चेंज? ये चेंज तब है जब आपने टेम्परेचर कितना राइज किया है, 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया है। कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। एक आपने एक कंडक्टर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, 1 ओम कहां है? इसका टेम्परेचर आपने 0 रखा, इसे बर्फ के अंदर दबा के रखा हुआ है। फिर आपने इसका इसे क्या किया, इसका टेम्परेचर आपने कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस, पता चला इसका रेजिस्टेंस 1.0023 ओम बन गया। तो अब ये जो राइज आ गया, ये जो चेंज आ गया, कितना चेंज आ गया, 0.0023 ओम, बस यही क्या है, यही वैल्यू इस मटेरियल के लिए अल्फा कहा जाएगा, नहीं कंडक्टर के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो फिर ये अल्फा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और यहां बात करते हैं इस इक्वेशन में तो अल्फा प्रॉपर्टी किसकी, रेजिस्टेंस की हो जाएगी, कंडक्टर की हो जाएगी। हालांकि वो भी सिर्फ मटेरियल पर ही डिपेंड करता है जब तक कि आपका टेम्परेचर वगैरह डायमेंशंस कांस्टेंट हो, लेकिन फिर भी इसे आप क्या कहेंगे, ये जो भी निकल कर आया, ये दिस इज द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसके लिए, उस गिवन कंडक्टर के लिए जिस पर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, मेटल्स की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। तो जब आप टी इंक्रीज करेंगे तो आर टी की वैल्यू आर नॉट से लार्जर आएगी, मेटल्स के लिए सर्टेनली लार्जर आएगी क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब आर टी लार्जर है आर नॉट से, तो फिर आर टी माइनस आर नॉट कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये सब पॉजिटिव है तो फिर अल्फा क्या है, अल्फा पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है, फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए अल्फा इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस के लिए अल्फा क्या होगा, निगेटिव होगा। सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या कहेंगे, बोलिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी निगेटिव होती है। रीजन क्या है कि वहां हल्का सा भी आप टेम्परेचर राइज करते हैं, छोटा सा भी टेम्परेचर आप राइज करते हैं, तो फिर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, आर टी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी आर नॉट के कंपैरिजन में, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते ही। तब आर टी माइनस आर नॉट का डिफरेंस, ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, और कैसी आएगी, निगेटिव। हालांकि हम इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस के लिए भी ये नहीं कह सकते कि अल्फा छोटा सा निगेटिव होता है, ये डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहे हो और कंडीशंस क्या क्या है, कैसा सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट का, डाइल्यूट सोल्यूशन है, कंसंट्रेट सोल्यूशन है, या गैसेस किस टेम्परेचर पर है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अल्फा स्मॉल पॉजिटिव है मेटल्स के लिए, स्मॉल निगेटिव है गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और लार्ज निगेटिव है किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए।
कुछ मटेरियल्स मतलब मेटल्स, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, कुछ मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स हैं या और भी मटेरियल हैं जिनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव। तो अगर ऐसे दो मटेरियल्स आप आपस में मिला दें जिनमें से एक के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरे के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो एक प्रॉपर रेशियो में, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर फर्क ना पड़े, डिफरेंस ना पड़े? मेटल्स हैं, मेटल्स की रेजिस्टिविटी पॉजिटिव है, स्मॉल पॉजिटिव है, 0.00 समथिंग है। आपने एक किलो कॉपर ले लिया, सेमीकंडक्टर्स की लार्ज नेगेटिव है, तो उसमें हवा बराबर हल्का सा एक किलो में 0.01 ग्राम सेमीकंडक्टर आपने मिला दिया, अगर मिल सके तो, जरूरी कि मिल ही जाएगा, मिल सके तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक का पॉजिटिव अल्फा दूसरे का नेगेटिव अल्फा एक दूसरे को बैलेंस कर जाए और टेम्परेचर बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में चेंज ना हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। और कुछ और सर, जो दो मेटल या एक मेटल नॉन मेटल, दो मेटल्स एक किसी नॉन मेटल को आपस में मिलाकर जो बनाते हैं आप, उसे क्या कहा जाता है? ब्रास क्या है? एलॉय, एलॉय है। तो आप एक अगर पर्टिकुलर टाइप का एलॉय बना ले, बना पाए जिसमें से किसी एक का नेगेटिव अल्फा दूसरे का पॉजिटिव अल्फा आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर जाए, तो फिर क्या होगा? आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, एक एलॉय ऐसा मिल जाएगा जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा विद द चेंज इन टेम्परेचर। और ऐसा ही एक अलॉय है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंटन, नाम ही उसका कॉन्स्टेंटन रख दिया। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। कॉन्स्टेंटन एक मटेरियल है, अलॉय है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर भी इसकी रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा तो फिर इससे इससे आप जो कंडक्टर बनाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कंसिस्टेंसी, ये कॉन्स्टेंसी एक सर्टेन रेंज के लिए होती है। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंटन है, वो एक छोटी सी रेंज में काम करेगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक आप बढ़ाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इतना टेम्परेचर कर दें कि वो लाल हो जाए बिल्कुल ही, तब कॉन्स्टेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को। स्पेशल एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन, स्पेशल एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन और मैगनिन, MAGNINE, मैगनिन आर मेड सच दैट the coefficient of resistivity is almost zero within certain range of temperature। तो अगर आप रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में एक ग्राफ ड्रॉ कर लें तो ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे? एक्स एक्सिस पर आपने लिया टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर लिया आपने रेजिस्टिविटी। एक नॉर्मल मेटल से कॉपर, कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। स्ट्रेट लाइन भी नहीं होती और बहुत किसी पर्टिकुलर शेप का ये कर्व भी नहीं है, है कर्व। अगर आप ये किसके लिए हो गया ग्राफ, ये कॉपर के लिए हो गया, कॉपर या कॉपर जैसे गुड कंडक्टर। अगर आप आयरन के लिए बनाएंगे तो भी ऑलमोस्ट ऐसा आएगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा लेकिन इससे मिल चलता आएगा। सेमी कंडक्टर के लिए क्या होगा? टेम्परेचर के साथ साथ इनकी रेजिस्टिविटी घटती चली जाती है, भयंकर रूप से, बहुत तेजी के साथ घटती है।
तो ये ग्राफ किसके लिए आएगा आपका, ये ग्राफ आपका आएगा सेमीकंडक्टर्स के लिए, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन सिंपल सी बात है, सिलिकॉन का ग्राफ है। और अगर कॉन्स्टेंटन के लिए आप या मैग्नीन के लिए ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो कैसा ग्राफ बनेगा फिर ये, क्या पहले हॉरिजॉन्टल फिर लिमिट से बाहर, बात मत करो लिमिट से बाहर मत निकलो ना, ऑलमोस्ट ये लाइन आएगी किसके लिए आएगी, ये आएगी आपके किसके लिए, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन या इस जैसा कोई अलॉय हो तो। बना लीजिए ग्राफ ये, यहां इस इक्वेशन आर टी इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी अबव जीरो डिग्री सेल्सियस और ये रेजिस्टेंस एट जीरो, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर टी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इसके उलट अगर आप टेम्परेचर जीरो से नीचे लाना शुरू कर दें तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप यहाँ घटाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, तो फिर आर नॉट तो वहीं का वहीं फिक्स है, ये पॉजिटिव है तो फिर आर टी की वैल्यू क्या होगी, आर नॉट से कम होनी शुरू हो जाएगी, डिग्री होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या ऐसा संभव है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये डिक्रीज होते होते जीरो हो जाए, भाई यहां अल्फा कुछ तो है वैल्यू, उस पर आप टेम्परेचर जीरो से नीचे रखते चले गए माइनस माइनस माइनस, तो आर टी की वैल्यू आर नॉट से कम होती चली गई, तो किसी टाइम पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आर टी रेजिस्टेंस एज गिवन टेम्परेचर वो बिल्कुल जीरो हो जाए, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, और इसी फिनोमिनन को कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आया कि रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया, हर मेटल के लिए हर मटेरियल के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके लिए ये हो जाता है, मर्करी या लेड है, लेड का टेम्परेचर आप घटाते जाओ उसकी रेजिस्टिविटी घटती चली जाएगी और 7.2 केल्विन पर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा ये 280 के आसपास कैसे हो जाएगा 7.2 केल्विन कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन तो 7.2 केल्विन कितना होगा 8 मतलब 260 डिग्री आप 260 डिग्री 68 डिग्री नीचा कर दें टेम्परेचर तो वहां पहुंचकर लेड की रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और जो लेड से आप बनाएंगे कंडक्टर वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि लेड अब बन गया सुपर कंडक्टर, क्या बन गया सुपर कंडक्टर बन गया, कितने टेम्परेचर पर 7.2 केल्विन पर। इसी तरह मरकरी है, मरकरी का टेम्परेचर और भी नीचे है 4.2 केल्विन पर पहुंच करके मरकरी की रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये करंट के चलने में कोई भी रुकावट पैदा करेगा ही नहीं, राइट। तो लिखी है सुपर कंडक्टिविटी, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी।
फॉर एग्जाम्पल मरकरी बिकम सुपर कंडक्टर एट 4.2 केल्विन, लेड बिकम सुपर कंडक्टर एट 7.2 केल्विन।